آپ کے سامنے جناب عامر فیض آبادی صاحب تھے. اب میں بغیر کسی تمید گزارش کروں گا اسد نصیر آبادی صاحب کے تنوع آئیں اور نذرانے آپ کے دل پیش کریں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. خدا کا شکر ہے کہ پھر اس سال مولا کے حکم سے اس ممبر پہ آنے کا شرف حاصل ہوا. بھائی ہمارے عباس صاحب ببلو نقوی صاحب جو 10 سفر کا کتنا بڑا شاندار پروگرام. میں باہر کے ملکوں میں بھی جاتا ہوں, انڈیا میں ہر جگہ جاتا ہوں, لیکن اتنا بڑا پروگرام مجلس کے سلسلے میں نے کہیں نہیں دیکھا. اس میں مغالتا نہیں. پھر ماشاءاللہ سے جوگی پورا میں کئی سالوں سے آپ کا کھانا جو بھی آوے گا, ببلو نقوی صاحب کا دسترخوان اور ایک مولا سلامت رکھے ایک شرف صاحب کا دسترخوان جو دن کا ہے. ایک نعرے سلوات بھیجیے خاص طور. چار وشے سراج بھائی خاص طور سرکار اور مطلب کچھ شیر. کہ جنت میں بھی رہے گا وہ آرام و چین سے. مولا سلامت رکھے فرشی ادا بیٹھنے والے آپ میری طاقت ہیں سرکار. جنت میں بھی رہے گا وہ آرام و چین سے وابستہ ہو گیا جو شہ مشرقن. خدا سلامت رکھے آپ کو. مولا ان آوازوں کو سلامت رکھے. وابستہ ہو گیا جو کبھی بھی ہو جائے وابستہ سرکار شہ مشرقن سے. ببلو نقوی صاحب عباس بھائی کہ احسان مند کیوں نہ اسد ہو یہ کائنات. ارے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی ہو سکتا. یار بھائی کیا ہوتا سب بولیں میں پیش کر یار سرکار یار مولا ان آوازوں کو مولا سلامت رکھیے گا خاص طور سے سرکار سرکار سرکار. وابستہ ہو گیا جو شہ مشرقن سے اور احسان مند کیوں نہ اسد ہو یہ کائنات. ارے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. ادب سرکار. کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. بس میں نے کہا تھا کئی اور قطعات پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن مولانا صاحب کو ہم لوگوں کو سننا ہے بس اس لیے مطلب دو تین شیر چار شیر خاص طور سے دیکھیے گا. ایک نعرہ سلوات. مطلب پیش خدمت ہے سرکار.
कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है। खास तौर से देखिएगा अहमद के नवासे से नजीब भाई जिसे प्यार नहीं है जन्नत का उसे रास्ता हमवार नहीं। अरे अहले में बैठे हुए हैं अहले में तो शिव फरमाए जन्नत का उसे रास्ता हमवार नहीं है। सिराज भाई खास तौर से सरकार खास तौर से शेर देखिएगा कि मौला की भाई मौला की मतलब पेश कर रहा हूं कि मौला की विलायत पा नजीब भाई खास तौर से कि मौला की विलायत पा जो तैयार नहीं है। मिस्टर एहसानी खास तौर से देखिए सब नसरवादी क्या कहना चाहता है मौला की विलायत पा जो तैयार नहीं है। अरे एक सांस भी लेने का वो हकदार नहीं ले सका था ले सकता हाँ सर भैया मौला सलामत रखे इन आवाजों को आकर सरकार सारा मामला विलायत का है सरकार मौला सरकार मौला एक सांस मैं शेरों को दोहराऊंगा भी नहीं एक सांस भी लेने का वो हकदार नहीं है। खास तौर से देखिएगा कि मातम के निशान देख के बोले ये फरिश्ते। खास तौर से मातम के निशान देख के बोले ये फरिश्ते अरे जा एक भी सजदा तेरा बेकार चला जा खुदा सलाम सरकार जा ए बात भाई जाए भी सजदा तेरा बेकार नहीं है। और इन इन अशके गमे शह का सरकार इन अशके गमे शह का बजुज फातिमा जहरा। मिस्र एहसानी खास तौर से बहुत पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं इन अशके गमे शह का बजुज फातिमा जहरा खरीदा रुमाल फातिमा ले लिया खुदा तो सरकार खुदा सलामत रखे क्या लिया
या लिया खुदा कहा वो रुमाल और कहा हमारे आंसू। जायरा से बड़ा कोई खरीदार नहीं है। माशाल्लाह से स्पर्श अदा पे बहुत से लोग, हम भी गांव से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी वतन नसीराबाद का हूँ, बहुत से लोग हैं कि जो जमींदार बैठे हुए हैं इस फर्श अदा पे, बहुत से लोग जमींदार हैं जो बैठे हुए हैं। सुनिए साहब कि हम नाम पा मौला के और लुटा देते हैं जागी। सुनिए साहब विषय सानी, सुनिए साहब जमींदार साहब, हम नाम पा मौला के अरे लुटा देते हैं जागीर, अरे फिर भी कोई हम जैसा जमींदार, मैं जमींदार हूं सरकार, मैंने सलामत रखे ना वादों को सरकार, सरकार सर सरकार, फिर भी कोई हम जैसा जमींदार नहीं है। बस ये शेर, दो शेर सुन लीजिए, सारे शेर छोड़ लाऊं और मक्ता, दो शेर सिर्फ मक्ता सुनिए साहब, एक हकीकत जिंदा हकीकत असद नसीराबादी पेश करना चाहता है कि पाबंदियां हुसैन के मातम पा लगाए। मिस्र सानी जहां जहां रात हैं, पाबंदियां हुसैन के अरे मातम पा लगाए, ऐसी तो अरे जहां में कोई सरकार नहीं, कोई सरकार हम मातम करते रहेंगे। अदर अदर चाहे वो लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो हमारा, ऐसी तो जहां में कोई सरकार नहीं है। और हिंदुस्तान में तो कैसा आजादारी फरोग पा रही है। एक नारे सलवा दीजिए खासतौर से, मैंने वादा किया था बस ये शेर और मक्ता। सुनिए साहब लेकिन ये शेर खास तौर से असद नसीराबादी, इस शेर को बाहर के मुल्कों ने और हिंदुस्तान ने बहुत पसंद किया, दिल्ली वगैरह में भी बहुत ऐवान गालिब में सराज भाई जानते होंगे। मैं वो शेर पेश करने जा रहा हूँ, बस उसके बाद दुआएं चाहता हूँ कि हाकिम ने सुना जहाँ जहाज रात हैं मिस एहसानी, हाकिम ने कहा देख के सज्जाद के तेवर। मिस्र सानी जहां जहाज रात हैं, मिस्र सानी खास तौर से, हाकिम ने कहा देख के अरे सज्जाद के तेवर, अरे दरबार उलट देगा ये बीमार। नहीं है बीमार, ये बीमार नहीं है सरकार, सरकार तू तो कहता था बीमार आए हैं, ये बीमार कहां है सरकार, सरकार सरकार खुदा सलामत रहे, मौला इन आवाजों को सलामत रखिएगा सरकार। उसने शिमर से कहा, शिमर ने कहा ये बीमार थे, हाकिम ने कहा देख के अरे सज्जाद कहते वार, अरे दरबार उलट देगा ये बीमार नहीं है, उलट देगा ये बीमार नहीं है। और देखो देखो तो असद हौस लए हजरत अब्बा। सुनिए मिस्र सानी एक सवाल है खास तौर से देखिएगा,
देखो तो असद हौस ले हजरत अब्बास, अरे मैदान में तो है हाथ में तलवार नहीं है, मैदान में तो है हाथ में